उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शिवगढ़ क्षेत्र के बेड़ारू न्याय पंचायत की ग्राम पंचायत बहु दाखला व न्याय पंचायत कसना में जन चौपाल लगाकर प्रमुख औद्योगिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत किसानों को पत्रक देकर अनुमन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिवगढ़ क्षेत्र में तैनात उद्यान निरीक्षक वीरेश कुमार ने किसानों को हाईटेक नर्सरी की जानकारी देते हुए बताया कि 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करने पर अनुमानित लागत 15 लाख लगेगी, जिसका 50% अधिकतम 7,50,000 अनुदान सरकार देगी। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वह 2 बीघे में भी हाईटेक नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 2 बीघे पर 3,75,000 अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही जो किसान केले की खेती करना चाहते हैं उनके खेत तक पौधे सरकार पहुंचाएगी, जिस पर सरकार द्वारा 40% अनुदान दिया जाएगा। वहीं आम अथवा अमरूद का बागीचा लगाने पर पौधों और दवा का पैसा सरकार देगी। हल्दी मिर्च प्याज की खेती करने पर उद्यान विभाग द्वारा निःशुल्क बेच दिया जाएगा। जो किसान टमाटर पत्ता गोभी बंद गोभी फूल की खेती करना चाहते हैं उन किसानों को 1.25 बीघे के लिए 5 पैकेट निःशुल्क बेच दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान बेमौसम सब्जी अथवा फूल आदि की पाली हाउस में संरक्षित खेती करना चाहते हैं उन किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। मधुमक्खी पालन करने पर 50 बक्सों पर 88,000 अनुदान मिलेगा। उद्यान उप निरीक्षक ने बताया कि शक्ति चालित मशीनों एवं उपकरणों यथा 20 PHP तक पावर टीकर स्प्रेयर आदि पर अनुमन्य लागत के सापेक्ष 25% से लेकर 50% तक अनुदान दिए है। यह धनराशि 20 BHP ट्रैक्टर पर अधिकतम 1 लाख तक का अनुमन्य है। इस मौके पर बहुदाखला में जिला पंचायत सदस्य विनय कुमार वर्मा, बदखुर्द प्रधान अनिल वर्मा, राजेश कुमार शेर सिंह, रामपाल सिंह कसना प्रधान, रमेश कुमार मौर्य, वीरेंद्र यादव, राजकिशोर बाजपेयी, विनोद मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।